नमस्कार, बीसीएन न्यूज के प्रदेश की खबरों में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। डालते एक नजर आज के प्रदेश के खबरों पर। दिल्ली की कैलाश कॉलोनी में रहने वाले पंडित रंजीत झा के दो बच्चे जो आजकल सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं और इनके फैन भारत से लेकर अमेरिका तक हो गए हैं। इनके बच्चों की उम्र 10 वर्षीय सुकन्या झा और 9 वर्षीय प्रियांश झा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां कोरोना ने किसी का फ्यूचर बर्बाद किया, रोजगार खत्म किए, तभी इन बच्चों ने अपनी मेहनत और लगन से प्रधानमंत्री मोदी जी का मूल मंत्र आपदा में अवसर तलाशा और अपनी कला को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुँचाया और अब खूब सराहना बटोर रहे हैं। लेकिन इनकी इस सराहना के हकदार केवल यही नहीं बल्कि इनके पिता भी है, क्योंकि लॉकडाउन में स्कूल बंद होने की वजह से घर पर रहे बच्चों को हारमोनियम बजाना और संस्कृत के श्लोक याद कराना पहले इनके पिता रंजीत झा ने ही इन्हें सिखाया। सांस्कृतिक कला में जल निपुण होने के लिए उन्होंने बच्चों के लिए एक गुरु बुलाया जो सही शिक्षा दीक्षा दे सके, जिसके बाद बच्चों ने मेहनत और लगन से भजन कीर्तन और हारमोनियम बजाना सीखा और अब उन बच्चों को लोग भजन कीर्तन के लिए मंडली में बुलाने लगे, जिससे इनके फैंस की संख्या भी काफी बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब हमारी टीम ने जायजा लिया तो देखिए क्या बोले ये नन्हे स्टार। ये मेरा लॉकडाउन के बीच में जब कोरोना महामारी जब अत्यधिक शुरुआत ही हुआ था और लॉकडाउन हो गया था, उस समय मेरा मन में ऐसा भाव आया जो क्यों ना बच्चे को एक अच्छा राह पर ले चलें। लेकिन अभी स्कूल भी बंद है और बच्चे जो है सो ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है, और उसके बाद जो है सो मन में आया जो इसको संस्कृत का श्लोक चालू करवाते हैं, तो मैं इसको पुरुषोक्त सब भी चालू करवाया। मुझे लगा जी इसको बहुत रुचि हुआ। बस यही देना चाहती हूँ कि आपने जो मन में ठाना है वही करें और जो आप दूसरे लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल ना करें। न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में रेलवे पुलिस कर्मी द्वारा ईमानदारी का परिचय देते हुए एक महिला द्वारा गाड़ी में चढ़ते हुए करीब 5 लाख रुपयों से भरा बैग छोड़ देने पर महिला को ढूंढते हुए सौंप दिया गया, जिसको लेकर आज राष्ट्रीय सैनिक संस्था द्वारा ईमानदार सिपाही एवं रेलवे पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के रेलवे स्टेशन पर जीआरपीएफ में सचिन तोमर कांस्टेबल के पद पर तैनात है और 14 जून 2021 को एक महिला ट्रेन से गाजियाबाद की तरफ जाते हुए ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी के कारण अपना बैग रेलवे प्लेटफॉर्म पर छोड़ गई, जिसके बाद जब गश्त करते हुए ईमानदार रेलवे पुलिस कर्मी सचिन तोमर ने जब लावार स्थिति में बैग को पड़ा देखा तो तत्काल बैग को कब्जे में लेते हुए रेलवे चौकी पर जमा कर दिया तथा अपने आला अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद रेलवे पुलिस के आला अधिकारी एवं स्टाफ द्वारा महिला को ढूंढने का प्रयास किया गया। इसी दौरान जब रोती बिलखती पीड़ित महिला रेलवे पुलिस के पास पहुंची तो रेलवे पुलिस के आला अधिकारियों ने महिला के हाथों में बैग सौंप दिया, जिसके बाद महिला ने ईमानदार रेलवे पुलिस कर्मी को ईमानदारी के लिए काफी दुआएं दी। इतना ही नहीं, रेलवे पुलिस के आला अधिकारियों ने भी पुलिस कर्मी सचिन तोमर को सम्मानित करने का काम किया। इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय सैनिक संस्था द्वारा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी मनवीर चौधरी एवं महिला ब्रिगेड पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी सुमन त्यागी के नेतृत्व में जीआरपीएफ चौकी प्रभारी एवं रेलवे पुलिस के प्रभारी सहित कांस्टेबल सचिन तोमर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने का काम किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। 14 जून को एक महिला यात्री स्टेशन पे आई थी, उसको हापुड़ से गाजियाबाद जाना था। ट्रेन आई, अचानक से वो लेडीज के पास दो बैग थे तो उसमें से जल्दबाजी में एक बैग वो प्लेटफॉर्म पे ही भूल गई और ट्रेन में बैठकर गाजियाबाद चली गई। तभी हमारे कांस्टेबल सचिन कुमार वो यहाँ प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी पे थे, ड्यूटी कर रहे थे। गश्त के समय उनको ये बैग लावारिस दिखाई दिया, संदिग्ध था तो उसको चेक किया गया।
उसको देखा था, उसमें 5,45,000 रुपए कैश, जिसमें 500-500 की, 100-100 की, 200-200 की गड्डी भरी हुआ था। तो तभी उन्होंने हमें सभी उच्च अधिकारियों को बताया गया, बैग को चौकी पे लाया गया, चौकी पे ला करके उसको फिर मालिक की तलाश की गई, किसका लावारिस बैग है, किस सज्जन का है। कुछ समय पश्चात एक लेडीज़ अपने परिजनों के साथ चौकी पे आई, बेहाल रोती हुई, बताया कि मेरा बैग यहाँ पे खोया है। ये हमेशा जो भी उत्कृष्ट कार्य करता है, ईमानदारी हो, देशभक्ति हो, तो उसे हम सम्मानित करते हैं। हमारे कांस्टेबल सचिन है, 14 तारीख को 5.5 लाख रुपये का एक बैग, आज के ज़माने में 5.5 लाख की बहुत बड़ी मांग है, लेकिन इन्होंने एक ईमानदारी का परिचय देती है। उस पैसे को जिसका पैसा था उसे लौटा। आज हम सचिन को इसके साथ साथ संपूर्ण पुलिस, जो पुलिस विभाग है, क्योंकि लोग पुलिस को दोष नहीं जैसा देखते हैं, लेकिन पुलिस के अंदर ऐसे ऐसे ईमानदार भी हैं जो 5.5 लाख रुपये की, तो आज वास्तव में एक जो हमने नहीं जो दिया है, जो सैनिक संस्था द्वारा मुझे सम्मानित किया गया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मेरे अधिकारी हैं, तो इन्होंने भी मुझे बहुत जो है प्राउड फील किया है इन्होंने मुझे। BCN न्यूज़ के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। जन साहस संस्था सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी देवास द्वारा जिले में चलाए जा रहे निर्भया अभियान कार्यक्रम द्वारा कन्नौज तहसील में गरीब, जरूरतमंद परिवार, प्रवासी मजदूर, विकलांग एवं विधवा महिलाओं को संस्था की ओर से सूखा राशन वितरण किया गया है। इस अवसर पर संस्था के कार्यकर्ता सागर मालवीय व उनके सहयोगी साथ ही राहुल नायर भी शामिल थे। राशन वितरण कार्यक्रम स्थल पर मौजूद कन्नौज तहसील के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा के मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम संपन्न हुआ और संस्था के द्वारा आगे भी ऐसे परिवारों का चयन कर मदद की जाएगी। इस अवसर पर सहायक उपनिरीक्षक विष्णु श्रीवास, प्रधान संपादक दिलीप धावरी, आदित्य सोत्रिय, चंचल भारतीय, मीडिया कर्मीजन भी मौजूद थे। BCN न्यूज के लिए देवास से अरुण उइके की रिपोर्ट। मारवाड़ी युवा मंच उदय शाखा का गठन मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर शाखा द्वारा गौशाला के प्रांगण में हुआ है। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगदीश चंद्र मिश्र, बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त मंत्री निखिल चिरानिया, बिहार प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच खंड के उपाध्यक्ष अश्विनी खटोर, राम गोपाल पोद्दार, रवि सराफ, रचित बजाज, आलोक बजाज ने उदय शाखा के सदस्य को शपथ दिलाई। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल लखोटिया के प्रेरणा से युवाओं में छिपे प्रतिभा को उभरने और लोकलोचन में लाने के उद्देश्य को लेकर समूचे भारत वर्ष में उदय शाखा प्रकल्प शुरू किया गया है। इस शाखा में केवल 18 से 28 वर्ष तक की उम्र के युवाओं को जोड़ने एवं उनके व्यक्तित्व विकास हेतु कार्य किया जाना है। इस नई शाखा का उद्देश्य समाज के हर वर्ग के मंच साथियों को मुख्य धारा से जोड़कर देश एवं समाज में अपनी सेवा देना और आज एक नए दौर के युवाओं की शिक्षा, व्यवसाय एवं नेतृत्व का विकास करना है। इस प्रकल्प के तहत बिहार में प्रथम उदय शाखा के रूप में प्रांतीय संयुक्त मंत्री निखिल चिरानिया ने युवा मंच के मंडल स्तर से मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर उदय के नाम से शपथ पाठ कराकर नई शाखा का शुभारंभ किया। इस उदय शाखा के अध्यक्ष के रूप में शैलेंद्र चंद्र मिश्र, सचिव RP जालान एवं कोषाध्यक्ष अतिशय जैन के साथ अन्य युवाओं ने विभिन्न पदभार का दायित्व संभाल कर मन सेवा में अपने ऊर्जा से उजागर करने का संकल्प लिया है। BCN न्यूज के लिए भागलपुर से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। मामला सरपता थाना क्षेत्र के सावयन गांव का है, जहां एक महिला की दबंगों ने पिटाई कर पैर तोड़ दिया है। गौरतलब हो कि सरपताह थाना क्षेत्र के सावयन गांव की गीता मौर्य, रमेश चंद्र मौर्य के घर पर 6 जून की सुबह घटना है, जहां पीड़ित महिला के घर पर शिवनारायण मौर्य, राजेश मौर्य, अर्पित मौर्य व 2 अज्ञात लोगों ने पीड़ित महिला के घर के दीवार को तोड़ दिया। वहीं महिला के द्वारा विरोध करने पर महिला को दबंगों ने जमकर पीटा व एक दबंग ने महिला के दाहिने पैर पर रॉड से 3 बार मारकर पैर तोड़ दिया। वहीं कुछ समय पश्चात महिला ने 112 पर फोन कर अपनी बात बताई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में ले आई। वहीं महिला को उपचार के लिए एम्बुलेंस से स्वस्थ समुदाय केंद्र सुई थाकला ले जाया गया।
इसे पूरे प्रकरण को देखते हुए सरपताहा थाना प्रभारी देवीवर शुक्ला ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। हमारे घर आए हमारे देवर और जेठू दोनों आए और अपना बेटा भी लेकर अर्पित को लेकर शिवनारायण मौर्य राजेश मौर्य उनका बेटा का नाम है अर्पित मौर्य उर्फ नरेंद्र प्रताप धीरेन्द्र प्रताप। अच्छा, हमारा बेटा जब वो घर गिरा रहे थे तो वीडियो बना रहा था, तब उसको कहे साले वीडियो बना रहे हो, तब इसके बाद वो उसको ऊपर लाठी लेकर दौड़ा, तब हम बोली कि भागो बेटा भागो तुमको मारने आ रहा है, तब उसको जब मारने लगा जब वो मारने लगा तब हम उसको छुड़ाने लगे, जब वो छुड़ाने लगे तो उसको छोड़कर हमको मारने लगा, तब से जो मेरा देवर राजेश है उसने हमका हमारा आसन पकड़ लिया और पकड़ कर लटक गया, तब से जो श्री नारायण मौर्य है उसने रड लेकर मेरे पैर में 3 रड मारा तो मेरा पैर टूट गया, हम वहीं गिर पाए। बीसीएन न्यूज के लिए जौनपुर से ऋषभ तिवारी की रिपोर्ट। प्रदेश की खबरों में वक्त हो चला है यही रुकने का, ताज़ा खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।